बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चिकन बिरयानी बना रही हूँ। देखिए मैं चिकन को धो के रख ली थी, देखिए आधा घंटा पहले। 3 चम्मच अदरक लहसुन डाल रही हूँ। देखिए ये खड़ा गरम मसाला है, देखिए पूरा। तो दालचीनी का चकला, शाहजीरा और बोले तो काली मिर्ची है, देखिए साबित। ज़ीरा आधा चमचा डाल रही हूँ। 4-6 लौंग, 6 इलायची डाल रही हूँ। देखिए 3 चमचे हरी मिर्ची है, देखिए चाय के चमचे के हिसाब से पीस ली थी मैं। और पीसे हुआ गरम मसाला है, देखिए 1 चमचा। 1 चमचा लाल मिर्ची है, आधा चमचा हल्दी, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना। आधा कट्टा कोतमीर, आधा कट्टा पुदीना है, ये मैं हाथ से थोड़ा ज़ीरा बचा हुआ है तो डाल रही हूँ। देखिए आधा किलो दही है। देखिए अब ये प्याज तल ली थी, देखिए मैं प्याज तलने के बाजू में ऐसा रखी थी उसको, तो प्याज को अच्छा ऐसा मिला लेना। देखिए तो अपन साबित अगर ऐसा डालते ना बिरयानी में प्याज, तो मसाला नहीं होता अपने को, तो साबित तो ऊपर से डालते ना अपन, तो अखनी में ऐसा मत के डालना। देखिए पूरा तेल है, देखिए मैं तेल अपने हिसाब से डाल लेना बिरयानी में, जितना लगता उतना। तो मैं इसको अच्छा हाथ से मिला रही हूँ, देखिए बिरयानी को हाथ से जब मिलाते ना तो पूरा मसाला चिकन को लग के इतनी टेस्ट और इतनी मज़े की रहती बिरयानी पूरा मसाले के साथ, बहुत मज़े की रहती। देखिए इतनी बहुत ज़बरदस्त रहती हाथ से मिलाई तो, पूरा मसाला जाता ना चिकन में। तो अब मैं इसको रख दे रही हूँ, देखिए साइड में पानी चढ़ा रही हूँ। पानी में नमक डाल रही हूँ, देखिए खड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाले में 4 चीज़ है, देखिए उसमें थोड़ी मैं उसमें काली मिर्ची भी डाल रही हूँ साबित, 4 हरी मिर्ची को कट कर ली, थोड़ा कोतमीर, थोड़ा पुदीना आ गया। देखिए पानी, चावल को धो के रख ली थी, देखिए मैं चावल डाल के बता रही हूँ। चावल को अच्छा आधा घंटा पहले धो के रख लेना। देखिए मैं 1 किलो चिकन, आधी किलो चावल की बना के बता रही हूँ देखिए आप लोगों को। तो चावल आधा घंटा धो के रख लिए तो अपन अच्छा होता, देखिए लंबे लंबे भी बनते अपने को और बोले तो जल्दी भी पकते। देखिए मैं इसमें 2 कनी पे निथार के बता रही हूँ, कई को बोले तो कच्चे गोश्त की है ना, अपन 3 कनी पे ऐसा निथारे तो एकदम ये हो जाता, नरम हो जाती बिरयानी। उसमें 2 कनी आया, देखिए मैं निथार के बता रही हूँ, 10 मिनट के बाद निथार के बता रही हूँ। देखिए तो छन्नी में निथार लेना, देखिए ऐसा अपन लोगों को नीचे गिरने का भी डर नहीं रहता। अखनी मिला लेके मैं आधा घंटा रखी, देखिए आधे घंटे के बाद चावल बना के डाल के बता रही मैं आप लोगों को। तो अच्छा एक आधा घंटा पहले मिला लेके रख लिए तो बहुत ज़बरदस्त होती बिरयानी। तो मैं डाल दी, देखिए चावल इसके अंदर पूरा चावल और बोले तो ये तेल है, देखिए पूरा मैं इसमें तली ना उसमें। अब मैं प्याज क्या करती हूँ, कभी कभी मेरे पास नहीं तो जितनी तलने का है उतनी डालती हूँ। देखिए उसमें से 1 कट्टे में से मैं कोतमीर अदन में डाली और इसमें बचे से डाल रही। देखिए कोतमीर, पुदीना और प्याज कलर डाली। देखिए ये देखिए ये पानी थोड़ा क्या करना, अपन चावल निथारते ना तो उसमें से थोड़ा पानी निकाल के रख लेना। देखिए दाग भी नहीं लगती बिरयानी। मैं घी डाल रही हूँ देखिए ऊपर से, कई को घी डाले तो इतनी टेस्ट रहती है, चावल रुखे रुखे बनते। देखिए तो ऊपर से इतने चीज़ें डाली, देखिए ऊपर से फिर बोले तो पीसे हुआ थोड़ा गरम मसाला भी डाली। देखिए प्याज, कोतमीर, पुदीना कलर और थोड़ा गरम मसाला, घी, तेल डाली। देखिए इतने चीज़ें डाली मैं ऊपर। तो ऐसा मैं अब क्या करती हूँ, तेज़ उसको 5 मिनट रखती हूँ। देखिए 5 मिनट तेज़ पे रख के कम पे 10 मिनट रखती हूँ। देखिए 15 मिनट में हो गई देखिए बिरयानी पूरी। तो मैं इसके साइड से मिला के बताती हूँ आप लोगों को। कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा और कितनी मस्त दिख रही मेरी एक अलग अलग किस्म की बिरयानी है। देखिए आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखिए, थोड़ी चीज़ें मैं अलग अलग डाल के बना रही हूँ। देखिए पूरी एक साथ नहीं बना रही मैं, अब 6 की 7 डाली देखिए मैं बिरयानी के। तो ये देखिए मैं पूरा ऐसा हटा हटा के बता रही हूँ आपको, कितने खुले खुले बने देखिए चावल पूरे। अब पूरा है देखिए, पूरा दाग भी नहीं लगा। देखिए मैं पानी ऊपर से डाली ना तो ऐसा है। देखिए लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग।